खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरकार ने खारिज किया पार्षदों के भत्ता बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जयपुर मेयर चलेगी अब दूसरा दांव। कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने के कारण उमड़ रही भीड़, लोगों की लापरवाही एक बार फिर बढ़ा रही चिंता। रोड का काम अधूरा होने से ग्रामीण परेशान, आए दिन हो रहे हैं हादसे। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षदों के सपने पर राज्य सरकार ने पानी फेर दिया है। पार्षदों के भत्ते की बढ़ोतरी की फाइल को राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन इसी बीच निगम के कार्यवाहक मेयर ने अगली साधारण सभा में फिर से भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को दिया है। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पहले बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक बीते 28 जनवरी को हुई थी। इस दौरान पार्षदों को रुझाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। पार्षदों को लैपटॉप देने को लेकर सरकार भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने पार्षदों का भत्ता 3,750 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये करने के प्रस्ताव को ना मंजूर कर दिया है। तो वहीं अब पार्षदों को भत्ते के तौर पर वही 3,750 रुपये ही मिलेंगे। खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर नई मंडी घरसाना में कोरोना से बचाव के लिए लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाके में कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने के कारण यहां पर भीड़ उमड़ रही है, जो कि चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कुछ हद तक कमजोर पड़ी है, परंतु कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान अभी भी जारी है, लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर को चिंता बढ़ाने पर लगी हुई है। कोरोना से बचने के लिए लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही भीड़ ही बड़ी समस्या का कारण न बन जाए। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था नहीं सुधरने से वहां फैली अव्यवस्थाओं के कारण भीषण गर्मी में वैक्सीनेशन लेने के वाले आने वाले लोग घंटों तक लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं उन लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगाने आए लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए कि एक तरफ तीसरी लहर अचानक होने की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग ने दे दी है, तो वहीं सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के दम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मास्क अब बोझ लगने से बिना मास्क लोग एक दूसरे के साथ में चिपके हुए दिखाई देने लगे हैं। व्यवस्थाओं को देख ऐसा लगता है कि औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, और यदि ऐसी व्यवस्थाओं रही तो फिर इसके भारी खामियाजा सिर्फ लोगों को उठाना पड़ेगा और कोरोना महामारी को न्यौता देकर विस्फोट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। खबर तीवरी के भेसरा से है, जहां पे कोतवाली के अंदर जय श्रीराम गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। गौशाला में लगभग 200 गाय हैं, जिनकी सभी की देखभाल स्वेच्छा से स्वयं सेवक कर रहे हैं। एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है। लगभग 201 पौधे लगाए जा चुके हैं। अधिकतम पौधे भारत विकास परिषद शागा मथानिया द्वारा निःशुल्क दिए गए हैं, और पौधे लगाने की लोगों में बहुत रुचि है। अधिकतम लोग सह परिवार पहुंचकर स्वयं लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं, और साथ ही पौधों की सुरक्षा व पानी पिलाने की जिम्मेदारी सभी स्थानीय युवा स्वयं सेविकाओं ने ली है। तो वहीं वृक्ष लगाते समय विशेषकर अधिकतम छायादार के साथ में ही आयुर्वेदिक वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिसमें अर्जुन, गुलैर, मोरिंगा, बिलपत्र, पाकड़ आदि के वृक्ष हैं। खबर बहरोड के गंडाला से है, जहां पे पंचायत के उप तहसील पर दर्जा दिलाने के लिए बहरोड विधायक बलजीत यादव का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक यादव का बहरोड से गंडाला गांव तक जगह जगह स्वागत किया गया। बलजीत यादव ने गंडाला गांव में थ्री फेस बोरिंग व पानी की टंकी तथा स्कूल में लैब का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। वहीं ग्रामवासियों द्वारा चांदी का मुकुट व विधायक को पैसे से तोलकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। यादव ने कहा कि मेरा असली उद्देश्य राजनीति में विकास करवाना है और मेरी विकास करवाना है। प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं विकास करवाऊं। मेरा जो कुंड रोड को जो कुछ षड्यंत्र कार्यों से रुकवाकर किया जा रहा है, मैं जल्दी इसे पूरा करवा लूंगा और विकास कार्यों की क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दूंगा।
खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां पर ढाबला बोझ से पांचवा माता तक रोड का कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों व श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस रोड पर ठेकेदार द्वारा ग्रेवल भी डाल दी गई है, बारिश के कारण बेकर्व वह चली गई है, जिससे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और कीचड़ भी हो गया है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। किसानों को अपने खेत में जाने के लिए इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिससे मवेशी फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे मवेशी घायल भी हो जाते हैं। वहीं कई बार किसान भी गिर जाते हैं और कई बार लिखित में देने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन हर बार झूठ पर झूठ आश्वासन दिया जा रहा है कि काम चल जाएगा, अभी तक नहीं चला है। इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द रोड का काम चालू किया जाए। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने कहा कि राजस्थान के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो 200 बिजली यूनिट फ्री दी जाएगी। तो वहीं कई ऐसे दावे भी उन्होंने किए जो कि राजस्थान के अंदर वे चाहते हैं कि हो। खेमचंद जागीरदार ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा जैसे कई राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी के साथ में वह राजस्थान भी आ सकते हैं। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली हमें देनी है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को बहुत राहत पहुंचाएंगे और कई राहत कार्य भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हों, क्योंकि आगे देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। जिनको एक साल पहले नियुक्ति मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, उसकी लड़ाई भी हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और वो लोग दिल्ली आए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, उनके साथ आम आदमी पार्टी ने कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दिया और उसमें विजय हासिल की। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।